वहाँ खाने पीने की सुविधा, रहने पीने की भी सुविधा कर रखी है। किन्होंने की हुई है, किन्होंने की हुई है? मैं सभी अपने श्याम प्रेमी साथियों को हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूँ। मैं पवन हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक स्टोर मोहनपुर, मेरा आयोजन का मकसद है, मैं एक बार 2011 में अमृतसर ITBP हेड कांस्टेबल का टेस्ट देने के लिए गया था। उस समय मेरे फादर ने मेरे को इतना ही पैसा दिया कि मैं उसको किराए के अंदर ही यूज कर सका। घर से जो खाना मिला था मेरे को, मैं उसको, मेरा दो दिन का वहाँ टेस्ट था, मैंने एक दिन में ही कर लिया, खा लिया। अगले दिन मेरे को बड़ी परेशानी महसूस हुई और आज मेरे को एक ऐसा समय मिला, श्याम बाबा की कृपा से मैं सक्षम हूँ। मेरी दुकान के सामने एक निजी स्कूल है, उस स्कूल के सामने मेरी एक दुकान है और मैं और अरावली स्कूल दोनों ने मिलकर, अरावली स्कूल टांकड़ी और पवन हार्डवेयर दोनों ने मिलकर ये भंडारे का आयोजन किया और ये आयोजन करने से मेरे दिल में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज बाबा ने हमारे को ऐसा मौका दिया कि हम ये काम भी कर सकते हैं। शायद ये काम बाबा की कृपा से ही हो रहा है, नहीं एक निजी आदमी पूरा नहीं कर सकता। इसके अंदर सहयोग के अंदर अरावली स्कूल के जितने भी बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं और जो PN लेवल के जो बंदे हैं वो सब हमारे साथ जुटे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ये बाबा हमारे को हर बार मौका दे, स्कूलों, निजी स्कूलों में सेंटर आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस काम में भी हिस्सा लें। पेपर चल रहे हैं, एक समय में एक शिफ्ट में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितनों को अब तक प्रसाद ग्रहण करवा चुके हैं? लगातार दो दिन से पेपर चल रहे हैं, कल 5 तारीख को हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी 450 बच्चे आए थे। 450 बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी थे और शाम की शिफ्ट में इवनिंग में भी इतने ही बच्चे थे। इसके अंदर मैं लगभग, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हमने 1500 पेरेंट्स और विद्यार्थियों को खाना खिलाया है। और मैं जनता से अपील करूँगा, कल भी शायद मेरे को ऐसा बंदा रोड से गुजर रहा था, उसने हमारी यहाँ की न्यूज़ बनाई और वो न्यूज़ बनाने के बाद मेरे पास कई बंदों के फ़ोन आए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो। शायद मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता तो इस समय भी लड़ सकता था। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, मैं श्याम बाबा का भगत हूँ और मैं श्याम बाबा के खाटू के अंदर, मुंडरू एक गांव है, वहाँ पे एक शिविर लगाता हूँ छोटा सा, और मैंने इस भक्ति की वजह से ही यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रोग्राम कर दिया कि यहाँ पे बच्चों को खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ स्कूल के साथ आसपास कोई मार्केट नहीं है, सभी खेत खेत है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम करा। इस प्रोग्राम के भागीदार अरावली स्कूल टांकड़ी अभिमन्यु यादव स्कूल के डायरेक्टर और पवन हार्डवेयर रंजीत यादव है और इसके साथ हमारे सभी श्याम भक्त जो खाटू के अंदर हम वहाँ शिविर लगाते हैं वो सारे साथ हैं। तो यहाँ खाने पीने की सुविधा, रहने पीने की भी सुविधा कर रखी है। किन्होंने की हुई है, किन्होंने की हुई है? खाने पीने खाटू श्याम वाले खाटू वही संस्था के आदमी। तो कुछ चार्ज ले रहे हैं या निःशुल्क किया हुआ है? नहीं जी, फ्री किया हुआ है। जब आप रुके हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था ये मेरे ख्याल में श्याम जी महाराज ने खुद कर रखी है, कोई मतलब श्याम जी के भगत है तो उन्होंने खुद कर रखी है, बड़ी अच्छी कर रखी है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। तो खाना ठीक मिल रहा है? नहीं, खाना ठीक है, जो भंडारे में जो मिलता है भंडारे के हिसाब से बढ़िया है। सर, सफर की और खाने पीने की क्या सुविधा रही यहाँ पर? सफर की तो सर दिक्कत ही है यहाँ पर, बाकी खाने पीने का जो श्री श्याम भंडारा जो उसने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ 4-4 बजे के चले हुए हैं सब यहाँ से। एक तो रूट का भी थोड़ा, ये जो स्कूल था ज्ञान दीप, ये 2-3 है यहाँ पर, तो कई उल्ट हम करके यहाँ पर आए।